नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी। आपको मौसमी स्क्वीज़ी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना मसाला। इसके लिए हमने लिया है एक बड़ा साइज का प्याज को चॉप करके, एक चम्मच हमने अदरक की पेस्ट लिया है, एक चम्मच लहसुन की पेस्ट लिया है, चीनी लिया है मैंने एक छोटा चम्मच, तीन हरी मिर्च लिया है इसके बीच से काट के ले लिया है, हल्दी पाउडर लिया है हमने हाफ चम्मच, नमक लिया है स्वाद अनुसार, टमाटो केचप लिया है हमने एक बड़ा चम्मच, हरा धनिया लिया है हमने एक बड़ा चम्मच, चना मसाला लिया है हमने एक बड़ा चम्मच, सरसों का तेल का हम इस्तेमाल करेंगे, और हमने दो मीडियम साइज़ की टमाटर का प्यूरी बना के ले लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है हमने एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हमने जीरा और धनिया पाउडर लिया है, हाफ चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है, एक सूखा मिर्च लिया है, एक दालचीनी का छोटा सा स्टिक लिया है, चार हमने लौंग लिया है, दो छोटे इलायची लिया है और दो तेज़पत्ता लिया है, और हमने 250 ग्राम काबुली चना लिया है। इसको हमने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखे थे, उसके बाद हमने दो विसल लगा के बॉईल करके ले लिया है। अभी हम चना मसाला बनाएंगे, इसलिए गैस चालू करके कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। अभी इसमें हम तेल ऐड करेंगे। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड कर देंगे, सूखा मिर्च को भी ऐड कर देंगे, जीरा ऐड कर देंगे, तेज पत्ता ऐड कर देंगे, सारी चीजों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अदरक भी हमारा फ्राई हो गया है, अभी उसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, अभी हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे और जो टमाटर की प्यूरी है उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम भूनेंगे अभी मसाले को। टमाटर भी हमारा कुक हो गया है, अभी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें लाल मिर्च की पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और जो हम चना मसाला रखे थे उसको भी अभी ऐड कर देंगे। सारे मसाले को मिला के अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें टमाटर की सॉस ऐड कर देंगे, मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें जो हरा धनिया लिए थे उसमें से आधे अभी ऐड कर देंगे, मिला देंगे। अभी हम इसमें उबला हुआ चना ऐड कर देंगे, मसाले के साथ चने को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी
अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे और चीनी ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। हमने मसाले के साथ चने को 1 मिनट तक पका लिया है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखेंगे। चना मसाले का अभी उबाल आ चुका है। अभी हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और चने को कुक करेंगे। हमने 10 मिनट तक चने को कुक कर लिया है। अभी हम चना मसाला को सेट कर लेते हैं। चना मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और चना मसाले को सर्व कर लेते हैं। चना मसाले को हमने सर्व कर दिया। ऊपर से हमने हरा धनिया डाल के गार्निशिंग किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आपके अनुभव इमोशन इसको जिन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए और ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।